भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब फातिमा बन चुकी हैं। उसने अपने फेसबुक वाले प्रेमी नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है, जिसके बाद अंजू और नसरुल्लाह की कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर छाए रहती हैं। इसी बीच अंजू का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उसने बताया कि 20 अगस्त को उसका वीज़ा खत्म हो रहा है, लेकिन वो उससे पहले ही भारत अपने बच्चों के लिए वापस आएगी। जैसे जैसे 20 अगस्त नज़दीक आ रहा था, सब यही सोच रहे थे कि अंजू वापस आएगी तो क्या होगा। इसी बीच नसरुल्लाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू का वीज़ा अब एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नसरुल्लाह ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने ये बात खुलकर कबूल की और बताया कि पाकिस्तानी सरकार और अधिकारी उनका सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले नसरुल्लाह ने कहा था कि अंजू जब मर्जी हो इंडिया वापस जा सकती हैं, लेकिन इंडिया में उनकी जान को खतरा हो सकता है। यही नहीं, नसरुल्लाह ने दोनों की शादी पर भी अपनी मुहर लगा दी थी कि दोनों ने निकाह कर लिया है। अभी तक अंजू क्यों नहीं आई है यहाँ पे इंडिया में? वो बस उसी मर्जी है ना, नहीं तो चाहे जा सकती है। तो आप बता रहे थे कि वो आने वाली है, 4 तारीख तक आ जाएगी। तो वहाँ उसको खतरा है ना, उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर किया है मीडिया वालों ने, कैसे लोग हैं वहाँ के ये बताओ। नहीं तो आप लोग उसे कैसे कहाँ पे रख रहे हैं, क्या है अभी प्लान उसका? क्या वीजा बढ़ गया उसका? जी बढ़ गया है, 2 महीने और बढ़ गया है। 2 महीने और बढ़ गया है। कब तक हो गया है अभी, किस तारीख तक हो गया है? 3-4 महीने रहेगी यहाँ। 3-4 महीने यहाँ पर रहेगी पाकिस्तान में? जी जी। तो आप लोगों की शादी की जो खबर है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कि आप लोगों ने शादी कर ली है? जी जी कर ली है। आप पहले मना कर रहे थे, तो अभी आपने एक्सेप्ट किया है पहली बार? जी। और अभी आप लोग इस्लामाबाद में हैं, ऐसी खबर मिली है हमें, आपने वहां से अपना जो क्षेत्र है वो छोड़ दिया है? नहीं, अभी अपने घर आ गए हैं। नहीं, आप नागरिकता के लिए इस्लामाबाद गए थे, क्या ये खबर सही है? आप और अंजू पर FIR दर्ज हुई है भिवाड़ी में। उनके पति अरविंद ने FIR दर्ज करवाई है। अच्छा, तो क्या हो गया उससे ये बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, वो पुलिस का काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, FIR दर्ज हुई है, धोखाधड़ी का मामला है आप पर और अंजू पर। तो इंडिया में आएंगी तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। तो होने दो। तो क्या अभी नागरिकता आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आप डर नहीं रहे हैं, ऐसा है? नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। नहीं, अंजू डर रही हो, आप बता रहे हैं ना कि उनको डर है इसलिए वो इंडिया नहीं आ रही है। हाँ, तो आप उसको सेफ सिक्योरिटी ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो सही बात नहीं आएगी। नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है ना, वो इंडिया और सरकार का काम है, पुलिस का काम है, मीडिया का तो काम है सवाल पूछने का। फिर ज्यादा सवाल मत पूछो, बस रहने दो। क्यों? मीडिया। अच्छा है, रहने दो। तो शादी आपकी कब हुई है? हेलो, जिस इंडिया में सीमा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बोल रही हैं कि वो इंडिया में ही जीना मरना पसंद करेंगी, तो वहीं अंजू को अब इंडिया में डर लगने लगा है। लेकिन अंजू का ये डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि उनका वीज़ा एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखना ये है कि अंजू जिस तरीके से बोल रही थी कि वो अपने बच्चों के लिए इंडिया वापस आना चाहती हैं, तो क्या अब कभी भी अंजू वापस इंडिया आ पाएंगी? या फिर जैसे सीमा का जीना मरना इंडिया में है, तो वैसे ही अंजू भी यही कहेंगी कि अब उनका जीना मरना पाकिस्तान में है और वो इंडिया वापस कभी नहीं आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।